दोस्तों कार दुनिया से मैं विनीबा फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 2021 हुंडई ओरा का सीएनजी वेरिएंट, जिसमें कुछ रीसेंट अपडेट्स हुए हैं। आज का मेरा ये वीडियो आपको उनके बारे में जानकारी देगा और साथ में हुंडई ओरा सीएनजी में क्या क्या फीचर्स आते हैं ये भी आज के मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊँगा। इसका एक्सोरूम कॉस्ट है 7,48,040 रुपीज़ का, जो कि ऑन रोड यूपी पड़ती है 8,54,278 रुपीज़ की। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटीरियर से इस गाड़ी को, फ्रंट से। तो ये देखिए, ये है इस गाड़ी का फ्रंट लुक, जिसमें रेडिएटर ग्रिल की डिज़ाइन आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये ग्रे स्टोन पे इसकी रेडिएटर ग्रिल दी हुई है, जिसका सराउंड जो है वो सिल्वर गार्निश पे है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसमें देखिए डुअल ये बूम रैंक सेप्स की LED DRL लाइट्स, ये LED DRLs भी हैं, यानी ये दिन के टाइम पे भी जलेंगी और ये नाइट को भी ऑन रहेंगी। तो एक तरीके से ये DRLs एंड पोजिशनिंग बोथ हो गई। बाकी इस गाड़ी का फ्रंट बम्पर का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, स्टाइलिश डिज़ाइन दिया हुआ है, डुअल टोन कलर है, बॉडी कलर और ब्लैक फिनिश मिलेगा। फ्रंट पे सारी लाइटिंग्स की बात करेंगे तो हेड लैम्प्स आपको इसमें मिल जाएंगे, हैलोजन रिफ्लेक्टर्स। ये देखिए काफ़ी बड़े साइज़ के इसमें हेडलैम्प्स दिए हुए हैं, उसी में फ्रंट के टर्न इंडिकेटर्स हैं और बहुत ही बढ़िया फीचर है, इसमें प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपने देख लिया इस गाड़ी का कंप्लीट फ्रंट लुक, चलिए चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल को एक्सप्लोर करने। तो ये कॉम्पैक्ट सेडान पे बिलोंग करती है, यानी 4 मीटर से कम इसकी लेंथ है, 3995 mm आपको मिलेगी इस गाड़ी की लंबान, और बाकी सारे डायमेंशन जो हैं वो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। एक एक करके फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये देखिए, इसमें आएंगे स्टील व्हील्स, जिसके ऊपर फुल सिल्वर कलर के व्हील कैप्स मिल जाएंगे, और यहाँ पर देखिए तो टायर साइज़ लिखा हुआ है 165/70R14 इंच के ये व्हील्स दिए हुए हैं। फेंडर्स में ही साइड के टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, आउटसाइड मिरर्स एंड हैंडल्स जो हैं वो इस गाड़ी पे दिए हुए हैं बॉडी कलर्स में। थोड़ा सा पीछे चल के और चीज़ दिखा देता हूँ। तो देखिए सी पिलर जो है इसका ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दिया हुआ है, और फ्यूल इंटेक एरिया देखिए इस साइड पे मिल जाएगा, इसमें 37 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। चलते हैं इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल में, जहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं 2021 में। ये देखिए, ये पीछे से गाड़ी ज़्यादा बोल्ड लग रही है, ज़्यादा स्पोर्टी लग रही है, क्योंकि इसमें अब ये देखिए एक रियर विंग स्पॉइलर को ऐड कर दिया है, जो कि इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल को पूरा देखिए चेंज कर देता है और ज़्यादा स्पोर्टी बना देता है। ये रीसेंट अपडेट अब आपको मिलेगा हुंडई की ओरा में। बाकी चीज़ों को चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ओरा की बैजिंग है, उसी के नीचे बहुत ही खूबसूरत लगती है इसकी टेलगेट गार्निश, जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में है, उसी में देखिए इंसर्ट किया हुआ है क्रोम को, और ये कनेक्ट करती है दोनों बहुत ही देखिए जेड शेप के खूबसूरत LED टेल लैम्प्स को। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी टेल लैम्प्स की डिज़ाइन, और इस समय ये ऑन है तो आप इसकी खूबसूरती को भी चेक कर सकते हैं। रियर बम्पर्स देख लीजिए बॉडी कलर्स में है, यहाँ पे जो नीचे ये स्कर्ट पोर्शन है ये ब्लैक कलर पे दिया हुआ है। रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाएंगे इसके बम्पर्स में, 2 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी दिए हुए हैं, जो कि मदद करते हैं जब आप गाड़ी को करेंगे बैक बीप के थ्रू। तो दोस्तों आपने देख लिया इस गाड़ी के ये वाले पोर्शन पर, जिसमें मेन चेंजेस हुआ है रियर स्पॉइलर आ गया है, जो कि इस गाड़ी को स्पोर्टी लुक बना रहा है। बाकी यहाँ पे देखिए डिफॉगर्स मिल जाएंगे, टॉप पे देखिए तो माइक्रो रूफ एंटीना दिया हुआ है। तो दोस्तों ये हो गया इस गाड़ी के कंप्लीट एक्सटीरियर प्रोफाइल के बाद, चलिए चेक करते हैं इसकी कीज़। दोस्तों ये है इस गाड़ी की कीज़ आपके सामने, इसमें एक तो मैनुअल की मिलेगी, सेकेंड की देखिए इसमें रिमोट पर दी हुई है, लॉक अनलॉक बूट ओपनर का बटन है, और ये फ्लिप की मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इस गाड़ी के बूट से, तो की से ही इसके बूट को अनलॉक कर देते हैं, और इसमें लगा हुआ है CNG सिलेंडर, और ये देखिए ये है इसमें CNG सिलेंडर फिट किया हुआ है, 65 लीटर वाटर फिलिंग कैपेसिटी वाला ये सिलेंडर मिल जाएगा, जिसमें लगभग मान लीजिए 10 kg यानी 10 किलो के आसपास गैस आ जाएगी। तो यहाँ पे इसकी साइज़ को सिलेंडर के चेक कर सकते हैं, और बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है जब किसी सेडान पे CNG लगी होती है, क्योंकि इसकी ऑलरेडी बूट काफ़ी बड़ा है, इस वजह से देखिए सिलेंडर लग जाने के बाद भी यहाँ पे ठीक ठाक आपको बूट में स्पेस मिल जाएगा। अगर आप कोई हैचबैक परचेस करते कंपनी फिटेड CNG के साथ तो डेफिनेटली उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे CNG सिलेंडर के बावजूद भी आपको मतलब भर का स्पेस मिल जाएगा। और जो इसकी स्पेयर व्हील पोजीशन है उसको भी चेंज नहीं किया गया है, दिखाता हूँ, ये देखिए ये अपनी जगह पर ही लगा हुआ है। बाकी इसका देखिए सेफ्टी वॉल्व यहाँ पर प्लेस्ड है, देख सकते हैं इसके वॉल्व को, देख लेते हैं फिलिंग वॉल्व कहाँ पे है।
उसके फ्लैप को ओपन करने के लिए यहाँ पे देखिए ड्राइविंग साइट पे ये लीवर लगा हुआ है, और इसी के साथ देखिए आप यहाँ से भी इसके ट्रंक गेट को ओपन कर सकते हैं। फ्यूल कैप को जब ओपन करेंगे तो देखिए दोनों ही जैसे कि पेट्रोल इंटेक एरिया और सीएनजी फिलिंग वॉल साथ में ही दिए हुए हैं। बाकी यहाँ पे देखिए सीएनजी स्पेसिफिकेशन प्लेट भी लगी है जिसमें सारी जानकारी दी हुई है। यहाँ पे चेक कर सकते हैं वाटर कैपेसिटी 65 लिखा हुआ है, और देख लीजिए सीएनजी जिसने फिट करी उसने अपना नाम दे रखा है सीईवी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये हुंडई द्वारा ही इसमें सीएनजी लगाई गई है। तो दोस्तों आपने देख लिया इसके फ्यूल इंटेक एरिया और सीएनजी इंटेक एरिया और साथ में इसके सीएनजी सिलेंडर को। सीएनजी सिलेंडर लग जाने से हालांकि थोड़ा सा बूट कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होता है, लेकिन सीएनजी वही लोग परचेज़ करते हैं जिनको चाहिए बेटर रनिंग कॉस्ट, क्योंकि सीएनजी में गाड़ी का माइलेज बढ़ जाता है। अप्रॉक्स 28 का क्लेम है सीएनजी पे, वहीं पे पेट्रोल पे रह जाता है 20 का, तो काफ़ी अच्छा डिफरेंस है 8 किलोमीटर का। माइलेज बेटर हो जाता है और सीएनजी की कॉस्ट भी पेट्रोल के मुकाबले कम आती है। तो दोस्तों आपने देख लिया इसके सीएनजी के सिलेंडर को और बाकी चीज़ों को। चलिए बढ़ते हैं हम इंटीरियर की तरफ और देखते हैं इसके और भी फीचर्स को। ये है ऑरा सीएनजी का इंटीरियर आपके सामने, डुअल टोन कलर में इंटीरियर मिलेगा जिसमें ब्राउन कलर का ये देखिए ये पोर्शन ब्राउन कलर का दिया हुआ है, और बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग है। क्वालिटी वाइज भी देखिए आप अगर इसको ऐसे टच करेंगे तो बहुत अच्छा फील आएगा, और ये देख सकते हैं ये पोर्शन ब्राउन होने की वजह से इसके इंटीरियर यानी डैशबोर्ड को खूबसूरत बना रहा है। चलिए मैं ज़रा इग्निशन को ऑन कर देता हूँ और बाकी फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। बढ़ते हैं हम पहले पीछे की तरफ, बैक सीटिंग को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है ऑरा सीएनजी की बैक सीटिंग, चारों पावर विंडोज़ इस गाड़ी में आते हैं। पीछे की तरफ देखिए पावर विंडो का स्विच है, नीचे तरफ वाटर होल्डर है, म्यूजिक के स्पीकर्स लगे हैं, इनसाइड डोर हैंडल्स जो हैं वो ब्लैक फिनिश में दिए हैं। बाकी बैक सीटिंग देख लीजिए काफ़ी स्पेसियस ये गाड़ी है, बैक से देख सकते हैं इसकी सीटिंग को। और इसमें देखिए बढ़िया चीज़ है हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट ये देखिए मिल जाएंगे, आइसोफिक सीट्स हैं, तो एज अ सेफ्टी फीचर भी देखिए इसमें ध्यान दिया गया है। चाइल्ड एंकर सीट्स को आप इसमें लगा सकते हैं, जिसकी देखिए लॉक्स यहाँ पे हैं, मैं दिखा देता हूँ ये देखिए इसमें ये लॉक्स लगे हैं इस साइड दोनों तरफ लगे हुए हैं। सेंटर पे यहाँ पे देखिए एक आर्मरेस्ट भी है, अभी ये भी निकाल के मैं चेक करवा देता हूँ। और बढ़िया चीज़ है देखिए इसमें रियर एसी वेंट भी आपको मिल जाएगा, तो जो लोग पीछे बैठे होंगे उनको जल्दी एसी की कूलिंग फील होगी। नीचे तरफ एक 12 वोल्ट का पावर आउट दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे देखिए ये इस तरीके का एक फोल्डिंग आर्मरेस्ट मिल जाएगा, सॉफ्ट है विद अ कप होल्डर्स। और चीज़ें देखते हैं तो देखिए ऊपर की तरफ फिक्स टाइप असिस्ट ग्रिप्स हैं। सेंटर पे देखिए तो यहाँ पे इस गाड़ी की ये रूम लाइट दी हुई है, और इधर देखिए एक ग्रिप लगा है। तो दोस्तों आपने इस गाड़ी की बैक सीटिंग चेक कर ली, ऑरा सेडान सेगमेंट में आती है, तो सेडान में बैक सीटिंग को बहुत बढ़िया यानी कंफर्टेबल बनाया जाता है, वही सेम चीज़ आपको इस गाड़ी पे भी मिलेगी। बाकी चलिए चलते हैं इधर की तरफ, तो ये देखिए ड्राइविंग साइड के डोर पर लगे हैं कई सारे स्विचेस, चाइल्ड विंडो लॉक का स्विच है, चारों पावर विंडो का यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें जो ड्राइविंग विंडो है वन टच अप तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको वन टच डाउन ज़रूर मिल जाएगा। बाकी ये सेंटर डोर लॉक का बटन है, आउटसाइड मिरर्स जो हैं वो इस गाड़ी के ओपन क्लोज आपको मैनुअल करने पड़ेंगे, बाकी जो उनके ग्लासेस हैं उनके एडजस्टमेंट आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक से कर सकते हैं। नीचे की तरफ मैक पॉकेट वाटर होल्डर म्यूजिक के स्पीकर देखिए यहाँ पर भी लगे हैं। बाकी ये सीएनजी गाड़ी है तो देखिए यहाँ पर सेफ्टी नॉर्म्स का ये स्टिकर लगा हुआ है, और फ्रंट और रियर विंग सील्ड पे भी स्टिकर्स को पेस्ट किया गया है सीएनजी का। चलिए देखते हैं इस गाड़ी की फ्रंट की सीट, तो देखिए ये है इस गाड़ी की देखिए फ्रंट सीट जो कि इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट पे बनी है। ड्राइविंग सीट अच्छी है, हाइट एडजस्टेबल है, ये देखिए यहाँ पे लीवर है, तो बढ़िया फीचर मिल जाता है। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसकी ड्राइविंग सीट को सेट कर सकते हैं, और देखिए सीटें भी बहुत ही खूबसूरत हैं, देख सकते हैं इसकी सीटों की डिज़ाइन, फैब्रिक मटेरियल को यूज़ किया है, और साइड में यहाँ पे ये वाइनल मटेरियल लगा हुआ है। चलिए अब आपको दिखा देता हूँ इस गाड़ी का डैशबोर्ड, तो ये देखिए डैशबोर्ड का डिज़ाइन। बैठते हैं गाड़ी के अंदर और एक एक करके बाकी फ़ीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों ये है ऑरा सीएनजी का डैशबोर्ड, ये देख लीजिए इसके डिज़ाइन को इस तरह भी दिखा देता हूँ, ये देखिए
एक बार मैं ऊपर से भी इसको चेक करवा दूं, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फ्लैट सरफेस दिया हुआ है। डिविनिटी या कोई और चीज़ आप प्लेस करना चाहे उसको ईजिली यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। इस साइड पे देख लीजिए एसी वेंट्स राउंड शेप में दिए हैं, यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हैं। और ये देखिए सराउंड जो है वो सिल्वर फिनिश का दे रखा है। इधर की तरफ देखिए लगा हुआ है, ये तो हेडलैम्प बीम एडजस्टर है, उसके बगल में सीएनजी कन्वर्टर स्विच है, तो यहाँ से आप इस गाड़ी को सीएनजी मोड या पेट्रोल मोड पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये दोनों दिख रहे हैं यानी पेट्रोल रुका हुआ है और सीएनजी ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब गाड़ी स्टार्ट जो है वो हमेशा पेट्रोल से ही होती है, तो पेट्रोल से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही जब ये सीएनजी पे कन्वर्ट होगी तो पेट्रोल हट जाएगा और सीएनजी जो है शो करता रहेगा। यहाँ से आप इस गाड़ी को यानी इस स्विच से इसको सीएनजी मोड या पेट्रोल मोड पे आप गाड़ी को कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी इंस्ट्रूमेंट पैनल की डिज़ाइन भी आप चेक कर लीजिए, इसके भी फीचर्स आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्पीडोमीटर है, इस साइड पे आरपीएम मीटर दिया है, सेंटर पे मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है जिसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से स्विच होती हैं। ये देखिए एवरेज स्पीड आ गई, इंजन रनिंग टाइम है, ट्रिप ए ट्रिप बी, और तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप इसमें स्विच करके चेक कर सकते हैं। ये दे रखा है इसमें पेट्रोल में कितना, पेट्रोल टैंक में कितना पेट्रोल है उसका लेवल यहाँ पर दिखाएगा और सी एन जी लेवल यहाँ पर चेक कराएगा, बाकी टोटल कितनी चलिए वो ये शो कर रहा है। तो ये हो गया इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात। स्टीयरिंग, इसमें आपको मोटर ड्रिवन पावर स्टीयरिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स है। ये स्टीयरिंग टिल्ट दिया हुआ है, इसको आप ऊपर नीचे अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक एयरबैग स्टीयरिंग पे दे रखा है, दूसरा एयरबैग फ्रंट पैसेंजर के सामने मिल जाएगा, साथ में इसमें एबीएस ईबीडी और भी जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो चेक कर लीजिए। स्टीयरिंग के बैक साइड पे इधर हेडलैम्प को ऑपरेट करने का लीवर है, ये फॉग लैम्प के लिए दिया हुआ है। इस साइड पे देखेंगे तो वाइपर को कंट्रोल करने का लीवर है, जिसमें इंटरमिटेंट वाइपर भी मिलेगा यानी वाइपर रुक रुक के चलेगा। और चीज़ें देखते हैं तो सेंटर कंसोल पे ये देखिए इसमें इंटीग्रेटेड टूडिन का म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, यानी बटन बेस्ड इसमें म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है विद 4 स्पीकर जो कि हर डोर पे प्लेस्ड है। और ये देखिए इस तरफ पेनड्राइव लगाने का पोर्ट मिल जाएगा। इस तरफ सेंटर पे देखेंगे तो हैजार्ड वार्निंग लाइट स्विच दिया हुआ है। एसी आपको इस गाड़ी पे मैनुअल मिलेगा। अच्छी चीज़ें देखिए यहाँ पे एक यूएसबी चार्जर भी दे रखा है, यानी डायरेक्टली आप केबल से अपने फ़ोन को चार्ज कर पाएंगे। इधर एक स्टोरेज स्पेस है, इस साइड पे देखिए दो कप होल्डर्स हैं, यहाँ पर भी देखिए स्पेस दिया हुआ है। हैंडब्रेक देख सकते हैं विद अ ग्लॉसी टिप आपको मिलेगा। एक और चीज़ है यहाँ पे देखिए फायर एक्सटिंग्विशर दे रखा है, कोई भी सीएनजी गाड़ी जब आप परचेस करेंगे तो ये एज अ सेफ्टी नॉर्म साथ में मिलता है। ऊपर देखिए तो डे नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर है, इधर देखिए तो फ्रंट की मैप लाइट मिल जाएगी, यहाँ पे माइक दिया हुआ है। इसके सिस्टम में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है तो उसके लिए माइक है, जब आप की कॉल के दौरान आवाज़ यहाँ से जाएगी। बाकी सनवाइजर्स के बैक साइड पे देखिए वैनिटी मिरर नहीं है। ड्राइविंग साइड के बैक साइड पे देखिए यहाँ पे टिकट होल्डर दिया हुआ है। बॉक्स देख लीजिए, ये देखिए कूल ग्लोव बॉक्स आपको इस गाड़ी पे मिलेगा, तो अगेन एक अच्छा फीचर है। तो दोस्तों आपने देख लिया इस गाड़ी यानी ऑरा सीएनजी 2021 के सारे फीचर्स। चलिए बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की। तो ये गाड़ी आती है 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में। जैसे देखिए मैं जब लगाऊंगा इसमें रिवर्स गियर तो बीप सुनाई दी आपको, ये बीप रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की है, जब पीछे कोई ऑब्जेक्ट पास आ जाएगा तो ये बीप कंटिन्यूस बजने लगेगी और आपको अलर्ट कर देगी। तो दोस्तों 2021 ऑरा सीएनजी आपने एक्सटीरियर इंटीरियर से चेक कर ली, इंटीरियर में कोई भी चेंजेस नहीं है। एक्सटीरियर में ये रियर विंग स्पॉयलर ऐड कर दिया गया है जो कि इसके बैक प्रोफाइल को स्पोर्टी बना देता है। चलिए अब देखते हैं इसके इंजन को, बोनट जो है वो यहाँ से ओपन होगा। तो ये है ऑरा सीएनजी का इंजन, ये बाई फ्यूल इंजन यानी पेट्रोल विद सीएनजी इंजन आपको इसमें मिलेगा। BF6 कॉम्प्लेंट है। यहाँ पे देखिए कुछ सीएनजी के और पार्ट्स रखे हैं, जैसे कि देखिए गॉज है और रेड्यूसर आपको इधर नीचे की तरफ मिलेगा। बाकी अगर इस इंजन के टेक्निकल्स की बात करेंगे तो ये 1.2 लीटर यानी 1197 cc का इंजन है जो कि मैक्सिमम पावर बनाता है पेट्रोल में 83 PS के 6000 RPM पे। जब इस गाड़ी को आप ड्राइव करेंगे सीएनजी में तो पावर रह जाएगा 69 PS का, टॉर्क है 11.6 kgm का 4000 RPM पे पेट्रोल पे, और सीएनजी पे है 9.7 kgm का। माइलेज जो है इस गाड़ी का पेट्रोल पे आएगा 20.5 km/L का, वहीं पे सीएनजी पे क्लेम है 28.40 km/kg में।
सो दोस्तों आपने देखी 2021 हुंडई ऑरा सीएनजी के सारे फीचर्स अपडेशंस भी मैंने आपको इसमें चेक करा दिया रेयर विंग स्पॉयलर का। अब आप बताइए ये गाड़ी आपको कैसी लगी फीचर्स एंड प्राइस के हिसाब से हमारे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल का दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।